कैसे हो दोस्तों आप। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। आप में से काफ़ी लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मालूम है कि मैं यूरोप में इस वैन जो मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसको यूज़ करता हूँ ट्रैवल के लिए यूरोप में। इसके अंदर सेटअप था, बेड था, बेड के नीचे एक बक्सा था, बक्से के अंदर सारा किचन का सामान और जो बर्तन वगैरह थे वो सब इसके अंदर ही था। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था और टॉयलेट का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो यूरोप में जब मैं ट्रैवल कर रहा था उससे मेरा बहुत खर्चा हुआ, बिकॉज सर्विस स्टेशन पे जब रुकना पड़ रहा है तो कुछ ख़रीदते हो तो उसमें पैसा काफ़ी लग जाता है। तो उस सब झंझट से निकलने के लिए इसके अंदर अब सब एकदम से बंदोबस्त करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी बंदोबस्त करेंगे और टॉयलेट का भी बंदोबस्त करेंगे। फ़िलहाल तो आई डोंट नो कि इंडिया में किसी व्लॉगर्स ने ऐसे वैन कन्वर्जन, प्रॉपर जो वैन कन्वर्जन है वो की है कि नहीं। तो आपके लिए, स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो ट्रैवल करते हैं और अपना खुद का एक वैन कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आज पूरा इसके अंदर दिखाएंगे कैसे आप बजट में रह के एक सामान तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो बजट रखा है वो अबाउट 1500 यूरोस, तो तकरीबन 1,20,000, बट इंडिया में काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा आपको। और जो जो सामान मैंने लिया है उसका मैं लिंक जो अमेज़ोन से मिल सकता है उसका सब मैं नीचे छोड़ दूँगा और वहाँ से आप चीप में बाय कर सकते हैं, बिकॉज यूरोप में काफ़ी चीज़ें महंगी हैं इन कम्पेयर टू इंडिया। सो आप बजट में मे बी आई वुड से अबाउट 80,000 to 70,000 to 80,000 इंडियन रुपीज़ में आप ये सब बंदोबस्त कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको और दिखाऊं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज मेरे पास टेक चैनल जिस पे अभी ये ब्लॉग चल रहा है, उसके अलावा ट्रैवल चैनल भी है जिसके हम ट्रैवल अपना जितना भी मैं ट्रैवल करता हूँ यूरोप के अंदर वो सब वहाँ पे आता है। उन सब के लिंक्स अभी आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। सो चलिए फटाफट से पहले तो इसको तैयार करते हैं, और अभी मेरा यूरोप का ट्रिप भी आने वाला है तो उससे पहले मैंने कहा इसको तैयार करके फिर हम निकलेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा यूरोप। तो चलिए और बातें करें, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करने वाला काम जो है वो आपका है और कैसे ये बनाना है वो काम मेरा है। चलिए। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने इंसुलेशन है वैन के अंदर की हुई है, ये मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है ये सारा ये है आर्मा फ्लैक्स। सो ये क्लोज सेल मटेरियल है, तो इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर वगैरह है वो बॉडी में नहीं जाएगा और जो रूम टेम्परेचर है वो अंदर बना रहेगा, वो एस्केप नहीं होगा। तो ये सारा चारों तरफ मैंने किया हुआ है, और ये जो फ्लोर है इसके नीचे भी मैंने किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो इसके नीचे मैंने ऐसे फ्रेम बना के उसके अंदर आर्मा फ्लेक्स लगाया हुआ है। सो इसके नीचे जो फ्लोर के अंदर दो लेयर लगाई हैं और साइड में जो है वो 1 लेयर है, रूफ़ के ऊपर अभी सिर्फ 1 लेयर है और इसके अंदर हम 2 लेयर लगाएंगे। इसका बेसिकली जो नीचे से है या ऊपर से जो टेम्परेचर स्पेशली विंटर में उससे प्रोटेक्शन मिल जाए, तो इसलिए रूफ़ में और फ्लोर में 2-2 लेयर लगाएंगे। तो चलिए अभी फटाफट से पहले जो काम है वो दिखा देता हूँ, और जो ख़राब हुआ है उसको फिर से लगाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको सेटअप करेंगे एकदम से। तो चलिए। ऑलराइट दोस्तों, वैन की इंसुलेशन के बाद में जो दूसरा स्टेप है वो बेसिकली मैं ये प्लाईवुड के पीसीस को काट रहा हूँ, जो कि मैंने 6 mm की प्लाईवुड को यूज़ किया है, जो कि कर्व वगैरह में एडजस्ट करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके जो टेम्पलेट्स हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप इसको कार्डबोर्ड के ऊपर इसके टेम्पलेट बना के उसको यूज़ करके इस प्लाईवुड को काट सकते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाता है और साइजेस भी परफेक्ट आते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कार्डबोर्ड के ऊपर टेम्पलेट बनाने के बाद में ही इसको काटिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो चलिए अभी ये काटने के बाद में इनको फिट करेंगे और फिट करने के बाद में जो बाकी काम है वैन का उसको कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, ये जो अभी साइड का ये मैंने बनाया हुआ है टेम्पलेट, ये मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर टेम्पलेट काटा था इसका पहले, और अभी इसको प्लाईवुड के ऊपर काटा है। थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट करनी है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। तो इसको अभी फिट करते हैं, उसके बाद में जो एडजस्टमेंट देखनी होगी वो करेंगे। और नीचे का जो टेम्पलेट है वो दिखाता हूँ आपको। सो ये टेम्पलेट मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे मैंने काट के बनाए थे, ये सारे जितने भी मैंने प्लाईवुड के ऊपर काटा है सब कुछ सामान ये सब कार्डबोर्ड के ऊपर काट के बनाया है। तो अभी इसको भी एडजस्ट करते हैं और इसके साइज से। तो पहले मैं इसके अंदर स्क्रू लगा देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए। क्या हाल है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो डे 2 अभी हमने शुरू करने वाले हैं आज का काम, और आज बिल्कुल एकदम बढ़िया सनी डे है यार, मज़ा आ गया। तो आई विल ट्राई टू फिनिश जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो कल का जो मैंने काम किया उसका थोड़ा अपडेट दे दूँ मैंने आपको। तो जो फ्लोर जो इसकी वॉल्स हैं वो तैयार हो गई हैं लिटिल बिट, मतलब कि इसके अंदर जो पुटिंग वगैरह लगानी है गैप्स फिल करने के लिए वो लगाएंगे, उसके बाद में पेंट करेंगे। और जो आप देख सकते हैं ये वुड के जो बैटन्स हैं ये लगाए हैं रूफ़ के ऊपर, इस रूफ़ को अटैच करने के लिए। और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने शूट किया है कि कैसे उसको अलाइन करेंगे, वो मैंने रूफ़ फ्लोर के ऊपर उसको अलाइन करके रखा था, और ऐसे ही इसको अपने रूफ़ के ऊपर लगाएंगे। जो गैप थोड़ा और कम होगा बिकॉज आई थिंक इट डजंट लुक नाइस कि ज़्यादा गैप होगा। तो अभी इसके मेरे ख्याल से मेरे को 7 और ये वुड पैनल्स जो हैं उसको बाय करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक इट्स ओनली 10 एंड आई नीड 17। तो चलिए आज अभी इसको फिट करते हैं, और उसके बाद में टॉयलेट का बॉक्स को बिल्ड करेंगे, और जो अपना बेड का फ्रेम है उसको तैयार करके रूफ़ का रैक जो जिसके ऊपर सोलर पैनल लगने हैं, और होपफुली कि टेरेस का जो रैक है उसको भी तैयार किया जाएगा। आई डोंट नो इफ़ आई हैव इनफ वुड, अगर नहीं है तो मैं फिर कभी और बिल्ड करूँगा उसको। तो फ़िलहाल आज के लिए ये सारा काम करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको आज का दिन यहाँ पे। होपफुली यू गाइस गोना एंजॉय दिस, होपफुली कि आपको इससे कुछ आइडिया मिल गया होगा कैसे आप अपना खुद का बैन भी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रूफ़ का जो वुड पैनल लगाने लगा था, और एकदम से मेरे को याद आया कि मैंने रूफ़ का सिर्फ एक ही लेयर किया है, सेकंड लेयर नहीं किया है अभी तक। और मैंने बोला था कि शुरुआत में इस ब्लॉक के कि 2 लेयर लगाएंगे ताकि विंटर में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए। एकदम मेरे को लास्ट मोमेंट में याद आया, तो चलिए अभी पहले ना सेकंड लेयर लगा देते हैं, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कितना ईजी है आमा फ्लेक्स यूज़ करना। सो लेट्स डू दिस। तो दोस्तों अभी ना सेकंड लेयर मैंने जैसे आपने देखा कि मैंने इसका विड्थ जो थी, इसका जो विड्थ थी उसका साइज़ लेके उसके बाद में चिपकाने के बाद इसको काट रहा हूँ। इससे क्या है कि मेरा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और काफ़ी फास्ट है ये प्रोसेस मेरे लिए। आप कैसे भी कर सकते हो, आप मेजर करके बाद में इसको चिपका सकते हो, पर मेरे लिए ये काफ़ी फास्ट है। सो अभी ये सेकेंड लेयर ख़त्म होने के बाद फिर हम पैनल लगाते हैं। सो लेट्स डू दिस। Easy peasy, cool. Second layer हो गया। Alright दोस्तों, so roof तैयार हो गई है, बहुत ही मस्त आया है। मैं दिखाता हूँ आपको पास से। So आप देख सकते हैं यार roof बहुत ही बढ़िया आई है, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा गैप डाला इसके अंदर, इन सब के अंदर एक्स्ट्रा गैप डाला है ताकि थोड़ी इससे लकड़ी भी बच जाएगी और अच्छा भी दिखने में लग रहा है। तो इस साइड पे जो है थोड़े पीसेस एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, बट ये वाला जो मैं लकड़ी है ख़त्म हो गई है तो फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी का प्लान ये है कि इस साइड पे ना अभी बेड तैयार करते हैं, बेड का फ्रेम, और उस साइड पे अभी टेबल का फ्रेम भी तैयार कर ही देते हैं। तो दोस्तों ये था वैन कन्वर्जन का पार्ट 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। और सेकंड पार्ट में जो है हम इसके बेड के फ्रेम को तैयार करने के बाद उसके अंदर स्टोरेज भी तैयार किया जाएगा, और जो मेरा YouTube का स्टूडियो है उसको भी इसके अंदर तैयार किया जाएगा। उसके अलावा किचन का सामान है उसको भी तैयार करने के बाद में, फ्लोरिंग करने के बाद में, पेंटिंग शेंटिंग करने के बाद में ये वैन कन्वर्जन जो है वो ख़त्म होगी। आई एम नॉट श्योर कि पार्ट 2 में आएगा कि पार्ट 3 में ख़त्म होगा। सो डिपेंड करता है कि कितना काम है आगे। उसके अलावा दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज आने वाले कंटेंट को फिर आप मिस नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे और भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो डोंट मिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल माय वीडियोज़। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। फॉर नाउ, पीस आउट।